आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के आयोजक है श्री दिगंबर जैन समाज कृष्णा नगर दिल्ली। सिद्धेभ्यः इन्द्र सर्वन्दियाणम् त्रिभुवनहित मधुर विशद वक्काणम् अन्तातीत गुणाणम् रमोजिनाणम् जितभवाणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। थोड़ी सी भक्ति करेंगे आदिनाथ भगवान की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। गट गट के अंतर्यामी की। गट गट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। ओ गट गट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय Thank you.
प्रभु जीव जगत उद्धार किया, प्रभु वीर जगत उद्धार किया, जो आया शरण में पार किया, जो आया शरण में पार किया, उस सिसला नंदन ज्ञानी की, उस सिसला नंदन ज्ञानी की, जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी, हो कट कट के अंतर्यामी, कट कट के अंतर्यामी, जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी। वर्तमान जिन शासन वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर राजा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बुली परम पूज गुरु पटारी श्री आचार्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव विश्व हितकर आचार्य भगवान श्री सागर जी गुरुदेव की। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम। जिन लोगों ने मुश्किलों का सामना डट करके किया वो भगवान महावीर बन गए, श्री राम बन गए। जिनने मुकाबला किया वो ऊंचाइयों तक पहुंचे, और जिनने हथियार डाल दिए वो डूब गए। निश्चित रूप से संघर्ष करने वाले ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, और जीवन में जब आप एक अच्छी गृहस्थी बनाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं तो अच्छे धर्मात्मा बनने के लिए क्यों नहीं कर सकते। जब संसार की चीजें पाने के लिए आप कोशिशें कर सकते हैं तो परमात्मा को पाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते। जब आप दुनिया के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। सबके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, लिए अपने लिए क्या कर रहे हैं। ये जो थोड़ा सा आप करते हैं अपने लिए करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, जिनालय में मंदिर में बैठ करके थोड़ा सा धर्म ध्यान करते हैं, वो आपके लिए हो गया। एक सज्जन आए सुबह सुबह और हमें आशीर्वाद दे दो, अपन भी थोड़े से फक्कड़ साधु हैं, हमने उनको कहा कि पहले सेवा करो फिर आशीर्वाद मांगो। बिना सेवा के क्यानी मेवा, और अगर बिना सेवा के मेवा मिलेगा तो पचेगा नहीं। काजू किशमिश बादाम उनको ही पचते हैं जो मेहनत करते हैं, और बिना मेहनत करने वाले अगर बादाम का हलवा खा भी जाएं तो दूसरे दिन उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पचता नहीं। इसका मतलब है कि अगर गुरु का आशीर्वाद भी चाहिए तो थोड़ा तो तुम्हारा कुछ तो उसमें समर्पण हो। तो हमने उनको ऐसा कहा, अच्छा लगा कि बुरा लगा भगवान जाने, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि तो प्रवचन में भी हाजिर नहीं है और किसी की शादी में चले गए। भाई शादी तुम्हारे लिए जरूरी है, साधु जरूरी नहीं है। शादी जरूरी है, साधु साधु से क्या लेना देना है, महाराज जी के पास कुछ है नहीं, और क्या तो लेंगे और क्या देंगे। लेकिन ज्ञानी जिनके पास कुछ नहीं दिखता है उनके पास ही सब कुछ। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों की संस्कृति, ऋषि मुनियों का आज भी वह आदर्श, आज भी वह पूजा है कि देश का बड़े से बड़ा शासक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी तप त्याग को प्रणाम करता है। श्री राम
राजकुमार होके भी अपने गुरु सर्वत्याग वशिष्ठ को वंदन करते हैं, कृष्ण सांदीपनी को वंदन करते हैं और पूरी संस्कृति तप और त्याग को प्रणाम करते हैं। ऐसे में आप एक बात निश्चय समझिए कि दुनियादारी तो वहीं की वहीं रह जाएगी, लेकिन प्रभु की भक्ति हमेशा काम आएगी। संघर्ष करने वाले जीवन बदलते हैं, कहते ना पानी से नहाने वाले तो केवल लिबास बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं। पानी से नहाने वाले तो केवल लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। मुनियों की तप साधना देखें, यहां तो ये हाल है कि विहार तो 1 किलोमीटर का होता है और निहार 5 किलोमीटर का होता है, फिर भी हमारी साधना का अंग है प्रासुक भूमि पर शुद्ध को जाना, तो उसको भी पानी से नहाने वाले केवल लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। और आज देश का इतिहास बदला जा रहा है और देखिए लोग किस ढंग से तरक्की कर रहे हैं और किस तरह से आप भी अपना इतिहास बदलें। मेहनत करिए, कोशिश करिए, मुकाबला करिए। और जो कहानी हम आपको सुनाने वाले थे वो इसी से जुड़ी हुई है। वी कंटिन्यू। ये जो है ना लोग आते हैं जैसे अब वो क्या करेंगे, उनको यहां से चलते चलते रास्ते में उन्होंने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद दे दिया। फिर आधे घंटे बाद हम कहीं बैठे होंगे, फिर कहेंगे महाराज जी आशीर्वाद दे दो, फिर आशीर्वाद दे दे। और वो ऐसे समझते हैं दिन में 3-4-5 बार अपनी समस्या या परेशानी बताएंगे और कहेंगे आशीर्वाद दे दो, जबकि वो एक बार अगर सामने आ गया तो हमको बिसरता नहीं। इसीलिए हम आंखें बंद करते हैं, क्योंकि कुछ भी दिखता है तो, या कुछ भी सुन लिया या कुछ भी पढ़ लिया, सौभाग्य है कि अगर शास्त्र भी एक बार पढ़ लिया तो भी कभी भूलता नहीं है। एक बार दो बार समय सार पढ़े, सारे ग्रंथ पढ़े, गीता पढ़ी और दूसरे जितने सारे ग्रंथ हैं, और लगभग अच्छा है क्षयोपशम, अच्छा है। भगवान से प्रार्थना यही है कि क्षयोपशम भी मिटे और छाए ज्ञान प्राप्त, संपूर्ण शुद्ध दशा मिले तो आनंद है जीवन का। पर्यायों का खेल तो आज चल रहा है, आज अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से प्रवृत्ति कर पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं कि कल तक बहुत अच्छा बोल रहे थे और आज जवान लड़खड़ाते हैं। शरीर का भरोसा नहीं कर सकते आप इस क्षयोपशम ज्ञान का भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं छोटी मोटी चीजों पर ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। आप अच्छे गाते हैं, आप अच्छे बोलते हैं, आप अच्छी प्रवृत्ति करते हैं, आप प्रभावशाली हैं, तो भी विनम्रता से पेश आना चाहिए। बात ऐसे हुई, साधारण सेठ थे, यूं कभी अपने जमाने में नगर सेठ रहे थे, लेकिन समय सबका बदलता है और उनका भी समय बदल गया और स्थिति एकदम सामान्य हो गई कि कमाते और खाते थे। फिर भी रहने का एक साधारण अच्छा तरीका था। और एक दिन की बात है कि उन्होंने मंदिर जाने के निमित्त से, किसी धर्म कार्य के निमित्त से, और कुछ ज्यादा अच्छी तैयारियां की और अपने बेटे को भी खूब अच्छे से तैयार हो जाने को कहा। इकलौता बेटा 18-20 वर्ष की वह पिता के साथ एकदम तैयार होकर निकला और घर से जैसे ही बाहर निकला तो बाहर कुछ लोग खड़े थे और 10-5 लोगों ने, ज्ञानी जब तक धन होता है ना, शक्ति होती है, धन होता है, वैभव होता है, तब तक रद्दी आदमी को भी लोग सलाम ठोकते हैं, जय जिनेन्द्र करेंगे, राम राम करेंगे। और अगर धन निकल जाए तो जीते जी
धन निकल जाए मतलब जीते जी निधन हो जाए, समझ लो। निर्धन तो बोलते ही है, यही हाल था कि वो अच्छे जब किसी जमाने में सेठ साहब करके लोग जय जिनेन्द्र किया करते थे, और अब घर से निकले तो लोगों ने मजाक बनाया, इतने बढ़िया कपड़े, इतने सुंदर कपड़े, और सेठ जी कहां चल दिए सुबह सुबह बेटे को साथ में लेकर के, कहीं राजा के यहां शादी करने तो नहीं जा रहे हैं? आपके कपड़े देख करके, आपकी वेशभूषा, लड़के की बनावट देख करके तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप राजा की लड़की को ब्याह करके बहू बना करके लेके आएंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति, और उनने थोड़े से आक्रोश में कह दिया, यहां विक्रम बेताल की कहानी सुनी? होते हैं कोई कोई, आपको ऐसे लगता है कि श्रावक फिर आ गया, ये ऐसा है ऐसा, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि कभी तो दर्शन मिलते नहीं, कभी तो छूने को मिलते नहीं, ऐसा कौन सा वक्त होगा कि कभी तो इसमें कैमरे में आता नहीं, मेरा कोई लेता नहीं, मुझे कोई बुलाता नहीं, तो क्या करेगा, किसी भी काम से इधर निकलेगा और कैमरे की तरफ देखता हुआ आराम से मुस्कुराता हुआ जाएगा। अब बोलो एक प्रवचन में से उसका आप चेहरा कहां कट करोगे, तो आएगा ही आएगा। तो सबकी भावनाएं होती हैं, लेकिन विवेक भी बहुत जरूरी है। क्या हुआ फिर, कह दिया उनने कि हाँ हाँ भाई, अपने बेटे की शादी करने जा रहा हूं, राजा की लड़की से शादी करने जा रहा हूं। लोगों ने कहा, व्यंग करते हैं, ये चेहरा और बादाम का हलवा तुम्हारे, ये तो हाल है, और राजा की लड़की से शादी करने जाओगे। उनको भी थोड़ा ताव आ गया कि देखिए तो दिन बदलते, लोग किस तरह से व्यवहार करने लगते, और वो सीधा राजा के दरबार में ही चले गए। द्वारपाल ने भी रोका नहीं, क्योंकि आखिर इज्जत तो किसी जमाने में रही है। और अंदर पहुंचे तो फिर पास में कुछ लोगों ने रोका भी कि दरवाजे में कहां घुसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा राजा के पास जाना है, और राजा के पास तक पहुंच गए। राजा ने भी देखा, सुंदर युवक को भी देखा, उन्होंने कहा कि क्या बात हुई, आप अचानक आज कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा सीधी बात, मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूं। राजा को देखो तो क्रोध के मारे लाल हो गए, आदमी क्रोध के मारे लाल हो जाता है, पीला भी हो जाता है, और कभी क्रोध का जहर ज्यादा बढ़ गया तो नीला भी। सच्चाई है, मुहावरों में भी सच्चाई है, खून जलता है, क्यों कसाय करना, क्यों क्रोध करना, शांत रहो ना, शांति से बात करते हो तो भी तो काम होते हैं कि इज्जत घट गई होती, कि रुतवा घट गया होता, कि इज्जत घट गई होती, कि रुतवा घट गया होता, जो गुस्से में कहा वही प्यार से कहा होता। शांति से बात कर लो। राजा एकदम आग बगुल हो गया, गुस्सा तेज में आ गया, सीधा उसके मुंह पर थूका। मतलब क्या आदमी है, इसकी औकात है कि मतलब लड़की का हाथ मांगने आ गया? सिपाहियों ने उसको पकड़ा और समझ गए मामला गड़बड़ है, और उनको बाहर, क्योंकि राजा अगर कुछ सजा देना चाहता, बोलना चाहता तो बोलता, थूक दिया, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता। बाहर गया, बाहर हवा फैलते देर नहीं लगती है,
यानी इज्जत कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में एक 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 सीढ़ी चढ़ना पड़ती है, तिल तिल करके कभी आपको ऊंचाइयां हासिल होती हैं धूल में मिलने में। बाहर खबर पहुंच गई थी और जैसे ही वो वापस अपने घर की तरफ आए, चेहरा थोड़ा झुका हुआ था, थोड़े परेशान नजर आ रहे थे, थोड़ी बेइज्जती हुई तो भी वो लोग खड़े ही थे। लोगों का काम क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और कुछ तो हम करेंगे, हमारा काम है करना। हमें जो करना है, हैं अभी आप त्रिपुंडरी धारण करके निकले, आप धोती दुपट्टा पहन के निकले, कलश लेके निकले, कुछ तो लोग कहेंगे कहाँ चल दिए पंडित जी, हैं सुबह सुबह महात्मा बन के कहाँ जा रहे हो। लोगों का काम है कहना, लेकिन जब हमने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित किया है तो हम अपना काम तो करेंगे। कहाँ चल दिए महाराज जी, शरीर पर चिंदी नहीं है और शहर में चल दिए, लोग तो कहेंगे, लेकिन हम अपना कर्तव्य करेंगे। शायद इस दिगंबर नग्न मुद्रा को देख करके खिली की किसी की आंखें खुल जाएं कि हम इतना जो जोड़ रहे हैं, इतना जो अन्याय कर रहे हैं, इसके पीछे भाई को भाई नहीं समझ रहे हैं, देखो इनके पास कुछ नहीं है फिर भी खुश है, शायद इससे ही सीख जाएं। हमारा काम हम करते रहेंगे, कहने वाले लोग कहते रहेंगे। कहने वालों ने नहीं छोड़ा और उन्होंने तुरंत फिर कहा, व्यंग किया, आ गए, क्या हुआ, जवाब तो देना पड़ेगा। सेठ जी ने जवाब दिया, थुक्कम थुक्का हुआ, थुक्कम थुक्का हुआ। दूसरे दिन फिर उन्होंने वही रूप लिया, फिर लोगों ने टोका, फिर पहुंचे, कहानी तो ऐसे ही चलेगी। फिर क्या हुआ, राजा ने देखा, समझ गया आज भी, फिर पूछा हो सकता कोई दूसरी बात हो, तो अभी उन्होंने कहा कि बात क्या है सेठ, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने के लिए आया। उन्होंने कहा इस आदमी को समझ में नहीं आता है, धक्के निकाल के बाहर कर दो। और तुरंत अंगरक्षकों ने धक्के देकर के और बाहर, और फिर पूछा रास्ते में मिले फिर लोग, लोगों का काम क्या है। कुछ लोग खाली पीले ऐसे बैठे रहते हैं, खाली पीले बैठने से अच्छा है कम से कम प्रभु का भजन करो, दुनिया की पंचायती करने से अच्छा है प्रभु का पंचा स्मरण करो, प्रभु की पंचायत करो, प्रभु की पंचायत में शामिल हो जाओ। क्या हुआ सेठ जी आज, कल तो महाराज एकदम मुरझाया हुआ चेहरा था, लेकिन आज भी मुरझाया है, लेकिन थोड़ी सी कम से कम किसी ने मुंह पर थूका तो। उन्होंने कहा आज धक्कम धक्का हुआ। अगले दिन फिर वही सब रूप बनाया और फिर पहुंच गए, फिर वही बात। राजा ने कहा देखिए मैं दो दिन आपको समझा चुका, आइंदा ही जुर्रत मत कीजिए, इसको दो चार मुक्के लगाओ और बाहर करो। फिर लोगों ने पूछा क्या हुआ आज, उनने भी मुक्के लगाए तो हमने भी, आज थोड़ी तो इज्जत बनी कि हम एक हाथ तो उठा सकते कम से। अगले दिन फिर पहुंचे अक्सर कर, पहले जमाने में एक सिस्टम था कि रानियां पर्दे के भीतर से, अमीर फोर्ट में जाना हुआ लोगों का आग्रह था, वहां भी ऐसे सिस्टम बनाए हुए कि पर्दे के भीतर से रानियां यहाँ का जलसा देख सकती हैं, और लाल किले पर भी अंदर गए तो लाल किले की वहां पर भी बताया कि दीवाने आम है, ये दीवाने खास है,
और जब तो यहां पर इस तरह की चीजें होती थी, इस तरह की चीजें जो भी होता था, लोग चले जाते हैं और चीजें रह जाती हैं। जिन चीजों के लिए लोग लड़ते रहते हैं वो चीजें वहां की वहां रह जाती हैं, और वो चीजों के साथ अपना शरीर भी छोड़ करके कहीं दूसरी जगह रवाना हो जाते हैं। चीजों के पीछे, जड़ के पीछे चेतन का अपमान करना बहुत बड़ी गलती है। प्रत्येक चेतन का सम्मान करिए। क्यों लचते हैं ज्यादा? अब की बात फिर पहुंचे और उन्हें बात थोड़ी आगे बनाई कि महाराज नाराज क्यों होते हैं आप? आप कभी धक्का लगवाते हैं, कभी आप, राजा ने जोर की फटकार लगाई कि देखिए आपकी अलग तासीर है, आपकी हैसियत अलग है, हमारी अलग है, आपके साथ रिश्ता फिट नहीं हो सकता है, आप बाहर निकल जाइए। और उनको बाहर निकलना पड़ा। अब क्या हुआ? बोले बक्कम बक्का हुआ, आज मुझे भी कुछ बोलने का मौका तो बक्कम बक्का हुआ। और झरोके से रानी देखा करती थी अक्सर, का मामला क्या है, और उसे रहा नहीं गया कि तीन चार दिन से ऐसा चल रहा है। उसने कहा राजा साहब बात क्या है, एक अच्छे आदमी का आप रोज अपमान कर देते हैं। तो राजा ने कहा कि देखिए हमारी बेटी का हाथ मांगता है। उसने कहा मैंने भी सारा किस्सा देखा है, सुना है, लेकिन बुराई क्या है? राजा ने कहा बुराई की क्या बात, कहां तो वो और कहां कहां राजा भोज। रानी कहा बिटिया बड़ी हो गई है, 17-18 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है, और उनका लड़का भी देखने में बड़ा सुंदर है, चाल चलन भी अच्छा है, आपका इतना उपद्रव करने के बाद भी उन्होंने नैतिकता सभ्यता के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा, और अगर आप इसके आगे भी उनको कुछ सजा देते तो शायद उस पर भी कुछ नहीं बोलते, ऐसे सभ्य हैं, समझदार हैं, नैतिक हैं, शालीन हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज पांचवें दिन भी तुम्हारे यहाँ हाजिर हो गए कि निश्चित रूप से उनने कुछ तो आपके लिए सम्मान अपने हृदय में रखा है, और वो ये कोई लोभी लोग नहीं है। आपको भी याद होगा किसी जमाने में उनके पिता नगर सेठ थे, और नगर सेठाई ना रही, उनके पिताजी आपके पिता के साथ कुर्सी के बराबर बैठते थे, सिंहासन बराबर लगता था, और किसी कारण से अगर सेठाई ना भी रही तो भी सज्जनों के यहां से संपत्ति तो जा सकती है लेकिन संस्कृति नहीं जाती है, सभ्यता नहीं जाती है। आप उनकी शालीनता देखिए, क्या बुराई है? राजा ने कहा लोग क्या कहेंगे, एक साधा सेठ के यहां लड़की दे दी। उन्होंने कहा कि परिचित है, और संपत्ति क्या चीज है, आप जरा से मेहरबान हो जाएंगे तो वापिस नगर सेठ बनने में और संपत्ति आने में कौन सी देर लगने वाली है, आप तो मेरी भावना है जितना बढ़िया सामने से रिश्ता आ रहा है, किसी राजकुमार राजकुमार के चक्कर में पड़ने से अच्छा है ये छोरा भी राजकुमार से कम नहीं है, तो आप तो। राजा को भी समझ में आया कि कोशिश कितने दिन से कर रहे हैं कि कोई ना अच्छा राजकुमार मिले, और राजकुमार मिलता भी है तो कोई शराबी मिलता है, कोई कबाबी मिलता है, कोई शिकारी मिलता है, जबकि हमारे राजघराने के संस्कार ही नहीं है। हमारे संस्कार शूरवीरता के हैं, साहस के हैं, हम युद्ध में दुश्मन को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन हम गलत हरकतें और व्यसन में नहीं पड़ते हैं। बेटी को कैसे ऐसे लोगों को दे दिया जाए, ये हमारा परिचित है, सही बात है। और कहते हैं राजा को भी समझ में आ गया। अब अगले दिन जब सभा लगी तो क्या हुआ, फिर सेठ जी आए, फिर उसी बनावट के साथ आए, पूरी तैयार के साथ आए, फिर लोगों ने फप्ती कसी, फिर वह राज्यसभा में पहुंचे, और फिर क्या हुआ, फिर राजा ने पूछा कि देखिए आपको 5 बार टालने के बाद आज आप किस लिए आए? फिर क्या कहा, वही अपने बेटे के लिए, आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। राजा ने कहा कि निश्चित रूप से आप जैसे सज्जनों का आदर, आपकी बात का मान रखना हमारा कर्तव्य है, हम आपका रिश्ता स्वीकार करते हैं। और जब रिश्ता पक्का हो गया, सारी बातें पक्की हो गई,
और जब अब की बार वापस गए और लोगों ने पूछा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, सेठ ने कहा पहली बार थुक्कम थुक्का, दूसरी बार धक्कम धक्का, तीसरी बार मुक्कम बुक्का, चौथी बार बक्कम बक्का, और अब की बार छक्कम छक्का हुआ। कहानी एकदम देहाती है और सीधी सच्ची है, लेकिन इसके पीछे वो संदेश छुपा हुआ है कि आप अगर किसी दिशा में डटे रहते हैं तो वो उपलब्धि जरूर होती है। समुद्र के पानी पर पुल नहीं बनाया जाता है, ये श्री राम भी जान रहे थे, वानर सेना भी जानती थी, हनुमान को भी पता था, नल नील को भी पता था कि समुद्र के ऊपर पुल बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत, जज्बा, कोशिश, श्रद्धा, भक्ति, और जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो समुद्र पर भी सेतु। हम जानते हैं इस कलिकाल में दिगंबर मुद्रा धारण करना और दिगंबर मुद्रा धारण करके दिल्ली जैसे शहरों में चले जाना और फिर भी निरंतर विधिवत रूप से अपनी कठिन साधना के सिद्धांतों का पालन करते हुए, पंच महाव्रतों की आराधना करते हुए, अहिंसा, सत्याचार्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह को पूरी तरह से निभाना काफी कठिन है, लेकिन फिर भी जो लगन है, जो रुचि है, उसके बल पर उपलब्धियां हासिल होती हैं, वहां पर भी जाकर के व्रतों का पालन होता है, साधना होती है। सौभाग्यशालियों, ऐसे समझिए हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। किराए की दुकान थी, दुकान वाले ने खाली करने के लिए कह दिया है और अब कुछ नहीं हो सकता है, अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम क्या खाएंगे, अब कैसे कमाएंगे। जो जीवन में परेशानी आती है, कभी बेटी की तरफ से शिकायतें, कभी बेटे की तरफ से शिकायतें, कभी भाई बंधुओं की तरह से शिकायतें, ये सारी चीजें होती हैं। जिंदगी के रथ में, जिंदगी के रथ के पहिए से चे चे पे पे की आवाज तो आएगी ही आएगी, लेकिन उसी रथ में बैठ करके आपको सवारी करके मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना। आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने विवेकवान हैं कि आप हर हाल में आगे बढ़ते रहते हैं। हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, हताश हो जाएंगे, डिप्रेशन में हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्या पाएंगे बोलिए, क्या पाएंगे। आप कर्ता धर्ता थे और आप ही इस तरह की डिप्रेशन, तनाव, क्लेश जैसी स्थितियां पहुंच जाएंगे, बाकी लोगों क्या होगा। सामूहिक आत्महत्या होती ना, आत्महत्या क्या होती है, उसमें पिता या माँ किसी तरह से हताश हो जाते हैं और सबको, कितने सारे किस्से हो जाते हैं जी। इतना बेशकीमती मानव जीवन है, धैर्य मत खोइए, हिम्मत रखिए, रास्ते निकलेंगे, जीवन जीने के रास्ते भी निकलेंगे और आगे बढ़ते गए तो जीवन से पार जाने के रास्ते भी मिलेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में, पूरे देश में लगभग सभी संप्रदायों में एक मान्यता है कि 84 लाख योनियों में जीव भटकता हुआ आया है। कौन कौन सी योनि में और कौन कौन सी गति में नहीं गया, चार गतियों में कभी इंसान हुआ, कभी देव हुआ, तो कभी नारकी हुआ, कभी जानवर भी बना, और बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। कहां की चौपाई है जी, मानस की। सबसे ज्यादा दुर्लभ वाली पर्याय हम सबको मिली हुई है और आप इसका किस ढंग से उपयोग करते हैं, किस दिशा में लेके चलते हैं अपने को, अपने परिवार को, अपने परिणामों को, बहुत महत्व है। सौभाग्यशालियों, यदि आप ये सारी बातें समझते हैं तो आप अपने आजू बाजू के माहौल को भी ऐसा बनाने की कोशिश करिए
कहीं कोई हताश हो रहे हैं, कोई परेशान हो रहे हैं, तो आप दो मिनट बैठ करके सहज बात कीजिए, प्रवचन मत दीजिए। हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प भी करिए और उनको संतोष दीजिए, सांत्वना बताइए, धैर्य दीजिए। कभी कोई दीन दुखी गरीब निकलता है, दिखता है, उसका हम क्या दुख दूर कर सकते हैं, क्या तकलीफ मिटा सकते हैं। ये बात सही है कि अपने भाग और कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, लेकिन दया और करुणा तो यही करती है कि तुमसे जो कुछ अच्छा करते बने जरूर करो। कितना बड़ा प्रसंग है श्री राम के जीवन का ही कि जब चिताहरण के दौरान जटायु घायल हो गया या मारा गया, उस समय थोड़ी देर के लिए वो सीता जी के विस्मरण कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सीताहरण के प्रसंग को भूल जाते हैं, सबसे पहले उस पंछी को संबोधित करते हैं, गोद में लेते हैं और उसे वे उत्तम मरण कराते हैं। पद्म पुराण में भी प्रसंग आया है, काफी अच्छे से रविशयन आचार्य ने जबरदस्त उसका चित्रण किया। मतलब है कि महापुरुषों की चेष्टा स्वार्थ भरी नहीं होती है, वे अपने साथ साथ औरों के लिए भी व्यवहारिक कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं। इसलिए आप समाज सेवा के क्षेत्र में जाएं, आप समाज सेवा के साथ साथ पशु पंछियों की सेवा में भी कदम बढ़ाएं। और कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े एनजीओ खोल लें, कोई बड़े जरूरी नहीं कि बड़े फेमस हो जाएं और कल के दिन राजनीति में उतर आए, चूंकि अगर सक्षम है तो कोई बुराई नहीं है। अपने उसूलों के साथ जनता की सेवा करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप उतने आगे नहीं बढ़ सकते तो व्यक्तिगत स्तर पर भी छोटे छोटे काम करें। क्षण भर को बैठ के विचार करें, आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा मेरा आत्मा वैसा सबका आत्मा। और एक बात, सबकी भलाई के ख्याल में अपने आप को क्लेश में नहीं डालना, नहीं तो हम राग देश मोह के प्रपंच ही करते रहे, इसको अच्छा करो, उसको अच्छा करो, उसको अच्छा करो, उसको अच्छा करो, उसको अच्छा। आपकी कैपेसिटी, आपकी सामर्थ्य तो कुछ है नहीं और जबरदस्ती क्लेश करे जा रहे हो। ऐसे में जो सहजता से करते बनता है उतना करो, बाकी हाथ पर हाथ रख के खुद का भी थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा स्मरण खुद का भी करो। मैं भी चैतन्य घन एक आत्मा हूं, शरीर मात्र नहीं हूं, कोई बॉडी मात्र मैं नहीं हूं। शरीर की गुलामी में लोग इतनी बुरी तरह से डटे हुए हैं, शरीर की गुलामी, केवल देह की गुलामी, बस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसमें कुछ कमी नहीं आना चाहिए। और जितनी जितनी तुम सुरक्षा करते जाते हो उतनी उतनी दीवार जीर्ण होती जाती है। तू पोसे हैं, तू नित्य पोसे यह सूखे, ज्यों धोबे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय देह का, बोलो रोग दशा फैली। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन बोल रहे हैं ना, ये 12 भावना है, बड़ी अच्छी 12 भावना है। और किसने लिखी है ये 12 भावना? मंगत राय। नाम क्या है? मंगत। मंगत मतलब मंगता, मतलब और साथ में राय भी है, मंगत राय है। ऐसा राजा है कि मांगता है, तो राजा मांगेगा तो क्या मांगेगा? अरे उससे ऊंचाई कुछ मांगेगा ना। और ये 12 भावना बड़ी अच्छी है। कहां गए चक्री जिन जीता भरत कंद सा, कहां गए बे रामरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां कृष्ण रुक मणि सत भामा अरु संपति सगरी। मतलब 12 भावना में शुरुआत इस ढंग से की है कि आप इस पर कभी थोड़ा विचार करो,
ये पाठ सिर्फ करके करने के नहीं है, आप इस पर जरा सा विचार करेंगे जीवन में परिवर्तन आता है। कुछ आप जरा विचार करेंगे तो आएगा कि आज अमुक अमुक चीजों में उलझना नहीं है। अगर कुछ ऐसे से ऐसा हो गया तो मुझे उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, शांति बनाए रखना है, उबलना नहीं है, शिक्षा मिलती है। ऐसे ही वो एक दूसरा आलोचना पाठ है। एक समय हुआ करता था कि लोग घट्टी पीसते पीसते भी गाते थे आलोचना पाठ, इस तरह की चीजें। अब घट्टी तो पीसने का काम नहीं रहा, हाँ आजकल तो जिम आ गया। जिम में पहले तो केवल जेंट्स ही जाते थे, अब तो लेडीज जाने, और वो जिम्स वाले भी ना, वो जिम्स में वो पहलवान का एक फोटो छापेंगे, बाजू में एक चूहिया का फोटो बना देंगे, वो भी यूं खड़ी रहेगी। अरे अम्मा को क्या जरूरत पड़ी है, घर के काम काज कर लो, उसी से शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा। भाई लोगों को भी जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिम जाने की बजाय कुछ लोगों को जिमाने चले जाओ, चले जाओ सुबेरे, दो चार बासी ताजी रोटी हो और देखो कि कहीं कोई पशु कोई पंछी कोई गरीब कोई ऐसा मिल जाए, और एक चक्कर लगा के आओ मंदिर का कॉलोनी का, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनका मन शांत है उनका जीवन शांत है। लोग इलाज कराते हैं बीमारियों का ऊपर से, बीमारियां केवल ऊपर से नहीं होती, बीमारियां भीतर से होती हैं। केवल फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य नहीं है, उसके लिए स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अब एक दिन डॉक्टर डिसीजन से बात हो रही थी, चार तरह के स्वास्थ्य की बात आई। पहला फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा सोशल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य, चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ आध्यात्मिक स्वास्थ्य। जब आध्यात्मिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तो तुम्हारा बॉडी का स्वास्थ्य क्या कर लेगा। हमारे पास एक प्रसंग आया, मुझे उनके पेट में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और पेट में ये समस्या बता दी है, वो समस्या बता दी है। हमने उनको कहा कि भले आप उपचार करा लें, लेकिन जहां तक हम जानते हैं उनको, उनको सिर्फ सबके प्रति अपनत्व की भावना करने की जरूरत है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई बुरा करने वाला नहीं है, वो आदमी मेरा बुरा ही करता रहता है, इस तरह की धारणा उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। वो हमेशा बाधक बनता है, इस तरह की बात निकाल देना चाहिए। और कुछ भी है उसके संबंध में, लेकिन मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। और जो तुमने दूसरे के प्रति गांठें अपने मन में रख रखी हैं, पेट में रख रखी हैं, वो निकाल दो, तुम्हारा पेट का दर्द। बोले डॉक्टर फोटोग्राफी करता है, क्या बोलते हैं जी, डॉक्टर सोनोग्राफी करता है जी, एक्सरे करता है, और क्या करता है। बोले सब कुछ करा लिया, उसमें कुछ नहीं आता, चेक करवाने में बीमारी कुछ नहीं आती है, लेकिन दर्द मिटता क्यों, ग्रंथियों में नहीं है समस्या, समस्या पेट में नहीं है, समस्या उसके भीतर मेंटल या उसके और भीतर अध्यात्म स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब है कि जो राग द्वेष के परिणाम तुमने इतने जबरदस्त गोले बना रखे हैं, देख लूंगा, बात ही नहीं करूंगा, मजा चखा दूंगा और सबको फोन करूंगा, लेकिन उससे बात नहीं करूंगा, वो आ भी जाएगा सामने, कट कर दूंगा। ये बच की जो रखा है, ये बीमारी की जड़ है। इसी ढंग से काम होता है। साइंस के जमाने में ये बहुत, इसको प्रैक्टिकल करना बहुत आसान, आप खुद प्रैक्टिकल कर लीजिए।
जिस दिन आपने बहुत क्लेश कर लिया है या बहुत आवेश में रहे हैं, आपको पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा। किस तरह के तनाव में आप रहे हैं, आपका पेट साफ नहीं होगा। क्यों? एनर्जी कहीं की कहीं चली गई। ठहरी लंबा विषय, संक्षेप में आप इतना समझें कि केवल शरीर स्वस्थ नहीं रहता, और शरीर के आज दवाइयां सिर्फ शरीर के लिए काम कर रही हैं। जयपुर में राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी अक्सर कर आते थे, घंटे घंटे बैठ करके इस तरह के विषयों पर बात होती। वो इस पर भी बड़ा ख्याल करते थे कि महाराज जी, सारे के सारे अस्पताल जो हैं वो शरीर का इलाज कर रहे हैं, जबकि आदमी का शरीर जितना बीमार है उससे ज्यादा बीमार तो उसका मन है, और शरीर पर जो बीमारियां आई हैं वो भीतर से आई हैं। इसकी हड्डी नहीं टूटी है, इसका सिर नहीं फूटा है, इसका कुछ नहीं हुआ है, बीमार किस बात का है? क्योंकि पाच बियारती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी छठी ग्यारह प्रतिमा धारी श्रवक बंधो आनंदिकारी सात बियारती श्री जिनवाणी ज्ञान ते सर्ग मोक्ष सुखदार हो। आठ बियारती बाहुबली स्वामी करे तपस्या होवे मोक्ष गामी यह विधि मंगली आरती कीजी पंच परम पद भज सुख लीजे मेरो झुक लीजे परम सुख लीजे यह विधि मंगली आरती की रो रही अंकल के आदि की जय सोहरी आदि सागर जय जय ओ जय सोहरी आदि सागर जय जय ओ बड़े तपस्वी थे ऋषि राजी आदि सागर जी ओ आदि सागर जी ए सूरत देख दे बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी ओ ऐसे ज्ञानी जी हो दया के भंडार की करे सात दिन उपवास करे एक दिन आहार करे वो भी एक वस्तु ले लीजिए मैं तो आरती उतारो रे अंकल के आदि की जय सोहरी आदि सागर जय जय ओ जय सोहरी आदि सागर जय जय ओ मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पटा दे ओ बनाया पटा दे मुझने अठराह भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष ओ लिया गुरु से आशीष परिशाह को सहन करे आत्म का चिंतन करे परिशाह को सहन करे आत्म का चिंतन करे मधुमगी जब लिपट रही थी हमें तो आरती उतारो रही महावीर कीर्ति की जय सोहरी महाविकीर्ति जय जय ओ जय सोहरी महाविकीर्ति जय जय ओ उनके शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी ओ विमल सागर जी सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी ओ ऐसे ज्ञानी की हो दया के भंडार की वात्सल्य मूर्ति की भंडार की वात्सल्य मूर्ति की आरती उतारो रे ओ मैं तो आरती उतारो रे विमल सागर की जय सूरी विमल सागर जय जय ओ जय सूरी विमल सागर जय जय हो Thank you.
गुंजन वाले सनमति बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम राम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम गुंजन वाले सनमति बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम नाम रे सासों की माला पे सिमरो मैं सनमति ना ओ सासों की माला में सिमरो मैं सनमति ना अरे जपते जपते हो जाऊं माला मां ओ जपते जपते हो जाऊं माला मां सासों की माला पे सिमरो मैं सनमति नाम सासों की माला पे सिमरो मैं सनमति नाम के शिष्य बने ऋषिराज सनमति सागर जी ओ सनमति सागर जी हो क्या क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु के ओ तपस्वी साधु की अन्य रस का त्याग करे मठ जला हर करे अन्य रस का त्याग करे मठ जला हर करे इंद्र विजित ज्ञानी के हमें तो आरती उतारो रे सनमति सागर के जय सूरी सनमति सागर जय जय ओ जय सूरी सनमति सागर जय जय हो गुरु तेरी रीति का गुरु तेरी प्रीति का गुरु तेरी जीत का है लाए 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 गुरु तेरी रीत का गुरु तेरी जीत का गुरु तेरी महिमा या रंग लाई जब जब मुझे पहे उठा सवाल गुरु तेरी महिमा या रंग लाई जीना जीना रे उड़ा गुलाल गुरु तेरी भक्ति रंग लाई ओहो बारी बारी आओ हजार बारी आओ बारी बारी आओ हजार बारी आओ गुरु शरण आकर के पुण्य कमा लो आओ ना कन्हैया मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे दरी दरी का भटकना छूट गया दरी दरी का भटकना छूट गया जब से गुरु का द्वार मिला है जब से गुरु का द्वार मिला है मेरा पद सुनिल सागर को दे बताया संगपति को दे बताया संगपति को जो प्रकृति भाषा में रचते हैं ग्रंथों को रचते हैं ग्रंथों को प्रकृति में उपदेश देते भव्य का उदार करे प्रकृति में उपदेश देते भव्य का उदार करे मौन से रहते जो हमें तो आरती उतारो रे सुनील सागर की जय सूरी सुनील सागर जय जय ओ जय सूरी सुनील सागर जय जय ओ देखो हमारे गुरुवर सूरज से चमकते हैं 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 लाखो हजार प्राणी दर्शन को तरसते हैं लाखो हजार प्राणी दर्शन को तरसते हैं जवल परम पुजार चरण सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का
सुनील सागर सागर आचार्य हो देवा आए है चरणों में करना दी सेवा पग छंदे जिके रज दुलारे मां मंडी के आंखों के तारे ब्रह्मचर्य बचे पर सितारे गुरुवर है यहाँ सबसे न्यारे जो भी ध्यान लगाए तपस्या संकट मिट जाए वांछित फल पाए रे काय बदल जाए हाथ की करो आरती सुनील सागर आचार्य देवा आए हैं चरणों में हम चरणों की देवा बरुआ सागर जस जिले में जैन शरीर दीक्षा संगति गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती पति पावने गुरु ने साधली करो आरती सुनील सागर आचार्य देवा आई है चरणों में चरणों की सेवा सारे जगत में गुरुवरी अपने सारे जगत में गुरुवरी अपने तेरी जय जय हो रिया सुनील सागर गुरुदेव के जय जय कारा हो रिया सुनील सागर गुरुदेव की जय जय कारा हो रिया गुरु पर जिसको प्रेम है सच्चा मिलता उसको जीवन अच्छा कहने से पहले गुरुदेव रत त्रय व्रत अगम रक्षा जो भी प्रकृत जानी के ज्ञानी के ज्ञानी सबके मन की जाने शंकाएं मिटा दे हरे बात की करो आरती सुनील सागर आचार्य हो देवा आए है चरणों में चरणों की देवा अरे सोना नहीं मांगते न चांदी नहीं मांगते सोना नहीं मांगते न चांदी नहीं मांगते पीछी कमंडल हाथी रखते बोलो जय गुरुदेवा 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 हो जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा मेरे कन्ने रख करे मन नहीं भरता गुरुवर के मुख की समय रसता गुरु का दर्शन चिंता हरता परसी लोहा चंडे करता जो भी द्वारे आते जगह को पाते हम भी शीश झुकाते खाली हाथ ने जाते खबर भी रखे दिन रात की करो आरती सुनील सागर आचार्य देवा आए है चरण में हमको चरणों दी देवा ओ गुरुवर सुनील सागर गुरुवर तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी तुमसे बढ़ कर कौन गुरुवर गुरुवर सुनील सागर गुरुवर तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी तुमसे बढ़ कर कौन तुम्हारे भक्त जनों में और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़ कर कौन गुरुवर हमसे बढ़ कर कौन गुरुवर गुरुवर सुनील सागर गुरुवर तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी तुमसे बढ़ कर कौन जयकारा लगाओ जयकारा कि अपना सुनील सागर नाम बड़ा प्यारा के गुरुवर आ जहाँ आए
चिंता सारी दूर करते गुरु वरन आए चिंता सारी दूर करते जयकारा गुरुदेव का आपकी कृपा से सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है हो करते हो मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है करते हो मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कि मेरा आपकी कि मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है ओ करुणा के भंडार हमारे गुरुवरा हे जग के सरताज हमारे गुरुवरा करुणा के भंडार हमारे गुरुवरा हे सबके आधार हमारे गुरुवरा शरण जुआते हैं भक्ति रचाते हैं शरण जुआते हैं भक्ति रचाते हैं भक्ति करने वालों के भाग जग जाते हैं हे सबके जग आज हमारे गुरुवरा हे सबके भंडार हमारे गुरुवरा जयकारा गुरुदेव का मंचोरी सट्टा हो गया गुरुवर के चरणों में मंचोरी सट्टा हो गया गुरुवर के चरणों में जब भी गुरुवर ध्यान लगाए उनकी चरिया मन हर्षाए जब भी गुरुवर ध्यान लगाए उनकी चरिया मन हर्षाए अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ गुरुवर का दीवाना हो गया गुरुवर के चरणों में गुरुवर का दीवाना हो गया गुरुवर के चरणों में अरे अच्छा प्यारे गुरुवर द्वारे मोह माया के तोड़ के ताले अच्छा प्यारे गुरुवर द्वारे मोह माया के तोड़ के ताले अच्छा प्यारे गुरुवर द्वारे मोह माया के तोड़ के ताल हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो सुनील सागरी धर्म दिवाकर विद्या की भंडार सुनील सागरी धर्म दिवाकर विद्या की भंडार नगर में गुरु पधारे कृष्णनगर में गुरु पधारे चाहचार्य बहा कि सारा जगत करे गुणगान कि चौथे पहटाचार्य महान कि सारा जगत करे गुणगान छुट्टी दुनिया से मन को हटा ले ध्यान गुरु जी के चरणों में लगा ले नसीबा तेरा लग जाएगा नसीबा तेरा आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को